इसराइल गजा में जमीनी कार्रवाई की भारी कीमत चुकाने लगा। सरहद पार करने वाले सहयूनी फौजियों की सिर्फ लाशें वापस आने लगी। अल-कस्साम ब्रिगेड ने दर्जनों इसराइली टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया। अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू बैदा का कहना है, मुजाहिदीन ने इसराइल की 22 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी, कई गासिफ फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। अबू बैदा ने नीतन्याहू को पैगाम दिया कि तुम घुटने टेकोगे, ये जंग तुम्हारा खात्मा होगी। इसराइली फौज के तर्जुमान ने फौजी हलाकतों की तस्दीक कर दी, जख्मियों की तादाद नहीं बताई। इसराइली शहरियों का कहना है, गजा में जमीनी कार्रवाई से मुतालिक खौफनाक खबरें आ रही हैं। इसराइली हुकूमत हकायक छुपा रही है। यमन से अंसारुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इलाद शहर पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। लबनान से हिजबुल्ला ने भी कार्रवाइयां तेज कर दी।